हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज आरओ यारो मीन्स का फिर से हम लोग लेकर आए हैं हिंदी में शीर्षक, सार लेखन और व्याख्या का एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर वन हम पहले ही आप लोगों को करा चुके हैं, जिसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जो व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही हिंदी की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल टू, तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शीर्षक कैसे लिखते हैं, सार लेखन कैसे होता है और व्याख्या किसी एक लाइन की कैसे करते हैं। और ये आपके आरओ और एआरओ मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17, 18 और 20 फेब को, उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेंस की जो सीरीज़ अभी रुकी हुई है, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ तहे दिल से, क्योंकि थोड़ी सी बिजी होने के कारण हम लोग ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जल्द ही, मुश्किल से एक हफ्ते में आपके सामने पूरी सीरीज़ ये कंटिन्यू होगी और हम लोग उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं आप लोगों के इससे। और जल्द से जल्द ये सीरीज़ हम लोग दोबारा से कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे जैसे हमारी चल रही थी। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और हिंदी का एग्जाम्पल टू देख लेते हैं। तो ये हमारा एक गद्यांश है। गद्यांश पहले आप लोग एक बार थोरोली पढ़ लेना फटाफट से, उसके बाद थोड़ा सा स्लो पढ़ के और उस पर जो जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहे हों उसको अंडरलाइन करते हुए अपना साथ के साथ शीर्षक भी दिमाग में रखते चलेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि संसार के श्रेष्ठ मनुष्यों ने घोषणा की है कि मनुष्य एक है और इसीलिए मूल मानव धर्म भी एक ही है। यह इस युग की आवश्यकता नहीं है, किंतु युग का अनुभूत सत्य है। पहले भी दीर्घ दृष्टि वाले मनुष्यों ने इस बात को अपने अपने ढंग से कहा था, परंतु आज वह सत्य अधिक व्यापक होकर अनुभूत हुआ है। इसीलिए विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों में पाए जाने वाली संस्कृतियों में और धार्मिक संप्रदायों में विश्वासों के समन्वय करने की चर्चा चल पड़ी है। परंतु समन्वय का अर्थ क्या है? कुछ लोग धर्मों के नाम पर चलने वाले सभी ऊपरी आचरणों को एक साथ जोड़ देने को समन्वय कहने लगे हैं। मुझे ये समन्वय की नीति ठीक नहीं जचती। समन्वय में तद्धत धर्मों के उन मूल तत्वों पर ध्यान रखना आवश्यक है जिनको केंद्र करके इन बाह्य आचारों ने रूप ग्रहण किया है। तो ये हमारा पूरा गद्यांश है। तो इस गद्यांश में मुख्यतः दो पार्ट आप लोग समझ गए होंगे एक बार पढ़ने से, कि पहले तो बताया गया है कि मनुष्य एक है, उसका धर्म एक है, सब लोगों को एक साथ मिलजुल के जो भी संस्कृतियां हैं, धार्मिक संप्रदाय हैं, एक साथ काम करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने समन्वय क्या होता है इस पे चर्चा की हुई है। तो अगर आप इसका अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि इस पूरे गद्यांश में क्या शीर्षक हो सकता है, तो मैं अपनी तरफ से एक तो यहाँ पर इस लाइन को अंडरलाइन करूँगी कि मनुष्य एक है और इसीलिए मानव मूल धर्म मानव का एक ही है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है इसकी। और यहाँ पर मेन फोकस किया गया समन्वय क्या होता है, क्या एक साथ रहना ही, एक साथ संस्कृति और धार्मिक संप्रदाय विश्वासों को एक साथ करना ही समन्वय है। तो लेखक ने इसकी यह नीति ठीक नहीं कही है, तो हम समन्वय पे इस पे जोर देंगे। तो इसमें दो तीन शीर्षक हो सकते हैं। शीर्षक का पहले भी मैंने बताया कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शीर्षक मुख्यतः डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे, और वो गद्यांश को किस तरह से देखता है उस पे डिपेंड करता है। तो हम इसका शीर्षक कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, बट वो गद्यांश में जो दिया हुआ है पैसेज, जो भी पैसेज है, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसके हिसाब से कौन से शीर्षक चुने हैं। तो मैंने इसमें तीन शीर्षक चुना है। जैसे कि मैंने पहली लाइन में बताया था कि मानव और मानव धर्म एक है, जो उसमें मुख्य लाइन थी इस पूरे शीर्षक की पहली लाइन में। तो मानव और मानव धर्म इसका शीर्षक हो सकता है। एक लाइन थी कि संस्कृतियों और धार्मिक संप्रदायों का समन्वय, जैसे ये लिखा हुआ है, संस्कृति और धार्मिक संप्रदायों के विश्वासों में समन्वय की चर्चा चल पड़ी है। तो इनमें समन्वय होना चाहिए, इस लाइन, इस पूरे पैसेज में ये भी कहा गया है। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं
कि धार्मिक संप्रदायों का समन्वय, अब इसके ऊपर पूरी चर्चा इस गद्यांश में की गई है। अब एक क्वेश्चन हमें इस पूरे में पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि समन्वय का अर्थ क्या है या क्या होना चाहिए। तो हम समन्वय की अवधारणा भी इस पैसेज को कर सकते हैं, लेकिन मेन जो इसका मोटिव है, जो कि पूरे धर्म को, मानव को, संप्रदायों को साथ में लेके कहा गया है, तो इसका जो मेन शीर्षक यही होना चाहिए, मानव और मानव धर्म। बाकी आप लोग ये भी शीर्षक उसमें डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होगा, लेकिन मुख्यतः जुड़ाव इसी से लगता है इसका। तो चलिए, शीर्षक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका संक्षेपण देखते हैं। आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा इसमें, तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप कहीं लिख सकते हैं तो इसे लिख के भी आप संक्षेपण अपने शब्दों में कर लीजिएगा। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, अब इसमें मुख्यतः कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम इसमें उदाहरण नहीं दिया हुआ, इसमें कोई लोकोक्ति नहीं कही हुई है, इसमें कोई जैसे कि कोई लाइंस नहीं, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में दिया था कवन दुख भारी कवन सुख भारी, ये लाइन थी, तो वो हम लाइन हटा सकते थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइन हम हटा सके, तो इसमें हम लोग परिवर्तन विधि यूज़ करेंगे त्याग विधि की जगह पर। मतलब कि जो दो तीन लाइनें एक साथ कही हुई हैं उन्हें जोड़कर एक ही लाइन में लिखेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे, एज इट इज़ वही नहीं लिखेंगे जो इन्होंने कहा है, मतलब वही होगा जो कहा है लेकिन शब्द हमारे होंगे। जैसे कि इसमें कहा है, संसार के श्रेष्ठ मनुष्यों ने घोषणा की है कि मनुष्य एक है, इसलिए मानव धर्म भी एक है। तो देखिए, यहाँ पर एक लाइन में लिख दिया कि विद्वानों का हमेशा से मानना है कि मनुष्य एक है और उसका धर्म भी एक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, मनुष्य एक और उसका धर्म भी एक है, एक है अलग से, ये भी लाइन डाल सकते थे इसमें। आगे, यह इस युग की आवश्यकता नहीं है किंतु युग अनुभूति सत्य है। तो ये लाइन लिखना ज़रूरी नहीं है, बस इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि ये हमेशा से माना गया है, इतनी लाइन, जो कि इन्होंने यहाँ से पहले ही लिख दी है, विद्वानों का हमेशा से मानना है, तो ये इस लाइन का मतलब यहाँ पर हो जाता है। आगे, पहले भी दीर्घ दृष्टि वाले मनुष्यों ने इस बात को अपने अपने ढंग से कहा है, तो ये लाइन लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्या कहा है वो लाइन लिखने की यहाँ ज़रूरत है। परंतु आज यह सत्य अधिक व्यापक होकर अनुभूत हुआ है, तो ये लाइन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यह चिर सत्य हमेशा से विद्यमान है, लेकिन तत्कालीन समय में, या फिर आज के समय में, इन्होंने पूरी लाइन के लिए तत्कालीन समय यूज़ कर दिया यहाँ पर, यह ज़्यादा व्यापक होकर सामने आया है। तो ये लाइन एज इट इज़ यहाँ पर आएगी, लेकिन ये जो पूरी लाइन है, पहले की दीर्घ दृष्टि वाले मनुष्यों ने इस बात को अपने अपने ढंग से कहा है, इतनी लंबी लाइन को हटाकर इन्होंने सिर्फ छोटी सी लाइन में लिख दिया है कि आज के समय में या तत्कालीन समय में ये ज़्यादा व्यापक होकर सामने आया है। अब इसमें है कि इसीलिए विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों में पाई जाने वाली संस्कृतियों में और धार्मिक संप्रदायों के विश्वासों में समन्वय की चर्चा चल पड़ी है। तो अब इसमें देखिए, इस इतनी लंबी लाइन को इन्होंने एक शॉर्ट लाइन में लिखा है, इसीलिए विश्व की तमाम संस्कृतियों में समन्वय की चर्चा या समन्वय की बात की जा रही है। अपने शब्दों में चर्चा को इन्होंने बात में कन्वर्ट किया है। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ दो लाइनें अलग अलग हैं, जैसे कि विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों में पाए जाने वाली संस्कृतियों में और धार्मिक संप्रदायों के विश्वासों में, तो इन्होंने ये दोनों लाइन लिखने के बजाय सिर्फ ये लिख दिया है, तमाम संस्कृतियों में, धार्मिक संप्रदायों के विश्वासों में, ये लाइन इन्होंने यहाँ से हटा दी है। तो आप धार्मिक संप्रदाय भी लिख सकते हैं, संस्कृति हटा सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ कैसे करते हैं। तो हमें शॉर्ट करना है, 1/3 वर्ड में लिखना है, तो हमें अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग धर्म के नाम पर चलने वाली सभी ऊपरी आचरणों को एक साथ जोड़ देने को समन्वय कहते हैं। तो इन्होंने एक छोटे से लाइन में लिखा है, आगे इसमें देखें आप कि इसमें लिखा हुआ है, मगर समन्वय का अर्थ धर्मों के बाह्य आडंबरों का समन्वय नहीं, बल्कि उन मूल तत्वों का समन्वय है जिनको केंद्र में रखकर आडंबर का उद्भव हुआ है। तो ये जो पूरी लाइन है,
कि कुछ लोग धर्मों के नाम पर चलने वाले सभी ऊपरी आचरणों को एक साथ जोड़ देने को समन्वय कहने लगे हैं। मुझे ये समन्वय की नीति ठीक नहीं लगती, ये लाइन हटा दी है बिल्कुल से यहाँ पर। बस ये कहा है कि समन्वय का अर्थ ये नहीं है। समन्वय में तद्धत धर्मों के उन मूल तत्वों पर ध्यान रखना आवश्यक है जिनको केंद्र करके इन बाह्य आचारों ने रूप ग्रहण किया है। तो यहाँ पर लिखा है केंद्र में रखकर आडंबर का उद्भव हुआ है। तो ये लोग आप इस पैसेज को देखकर अपने शब्दों में से अपने लैंग्वेज में संक्षेपण करने की कोशिश करिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि इस टाइप से आप कर सकते हैं संक्षेपण। चलिए देखते हैं भाव पल्लवन। भाव पल्लवन कैसे किया जाता है? बहुत ही इजी होता है भाव पल्लवन। जो भी हमें लाइन दी होती है, बस उसी लाइन को हमें तोड़ मड़ोड़ कर बार बार कहना पड़ता है, उसी को समझाना पड़ता है। अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, और उसी लाइन को आप किसी भी तरह से, अगर किसी छोटे बच्चे को या फिर आप टीचर हैं तो उस लाइन को कैसे समझाओगे किसी को, वही आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो ये सबसे इजी पॉइंट होता है किसी भी शब्द का, किसी भी लाइन का व्याख्या करना या भाव पल्लवन करना। तो यहाँ पर ये पहली लाइन है, मनुष्य एक है इसलिए मूल मानव धर्म भी एक है। तो इसमें मनुष्य एक है, मूल मानव धर्म भी एक है, ये लाइन हम शुरू से बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं। और इसी को हमें, मान लो इस पे हमें ऐसे लिखने को दे दिया जाए तो हम 10 पेज आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तो व्याख्या करनी है, सिर्फ 5 से 6 लाइनों में आपको इसकी पूरी व्याख्या कर डालनी है, और अपने ही शब्दों में, कि मनुष्य धर्म जाति भाषा भी और स्थान के नाम पर हमेशा एक ही होता है, चाहे वो लंदन में रहे चाहे इंडिया में रहे, इसी टाइप से आपको पूरी व्याख्या करनी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त वाक्यों में मनुष्य को एक माना गया है। हमें मूल जो देना है यहाँ पर वाक्य के आधार पर कहना है, अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी नहीं कहना, सब वाक्य के अकॉर्डिंग यहाँ कहना है। यहाँ तमाम भिन्नताओं जैसे क्षेत्र, भाषा, स्थान, धर्म, बोली आदि से ऊपर सभी मनुष्य की बात की गई है। चाहे कोई मनुष्य अमेरिका में रहता हो या रूस में या फिर भारत में, चाहे मनुष्य अंग्रेजी बोलता हो, रशियन बोलता हो या हिंदी बोलता हो, सभी एक है। देखिए आप यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे ही आप किसी भी जो भी लाइनें दी होती हैं उसकी आप व्याख्या करेंगे अपने शब्दों में। अतः संपूर्ण मनुष्य का मूल धर्म भी एक मानव धर्म होना चाहिए। मनुष्य बाह्य रूप से अलग अलग धर्मों को मानता है, उसे छोड़कर सभी मनुष्यों को एक धर्म, मानव धर्म को अपनाना चाहिए। तो ये इन्होंने पूरी लाइन की जैसे कैसे लिखते हैं वैसे ही व्याख्या कर डाली है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी लाइन कौन सी है व्याख्या के लिए। माफी चाहती हूँ, यहाँ थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं साफ साफ बोल के आपको ये चीजें समझा सकूँ। सेकेंड लाइन है, विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों में पाई जाने वाली संस्कृतियों में और धार्मिक संप्रदायों के विश्वासों में समन्वय की चर्चा चल पड़ी है। तो मतलब यहाँ पर जो आजकल न्यूज़ में चला हुआ है उसको लेकर यहाँ पर ये लाइन कही गई है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सबको आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसी लाइन को आप कैसे लिखेंगे, आप अपने शब्दों में जरूर लिखिएगा इस लाइन को, फिर यहाँ पर मैच करिएगा कि सही है या गलत है जो आपने लिखा है। बुद्धिजीवी हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि संसार के सभी मनुष्य एक हैं, जो कि पहली लाइन में कहा गया था हमें। यहाँ हम जो पैसेज है उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं, बस ये जो लाइन दी गई है उससे नहीं भटकना है, लाइन पर ही हमें रहना है यहाँ पर। अतः उनका एक धर्म मानव धर्म होना चाहिए। वर्तमान समय में धर्म के नाम पर तमाम तरह के आडंबर चल रहे हैं, ये पूरे हमारे पैसेज में से लिया गया है ये लाइन्स। उन सभी बाह्य आडंबरों को खत्म कर एक धर्म मानव धर्म पर बल देना चाहिए, ये भी पहली लाइन है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए विश्व के तमाम देशों के अलग अलग संस्कृतियों और धार्मिक संप्रदाय के विश्वासों के बीच समन्वय स्थापित करने की चर्चा की जा रही है, क्योंकि अगर सभी मनुष्य एक हैं तो मानव धर्म भी एक होना चाहिए। ये भी पहली लाइन है पैसेज की। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग किसी भी लाइन्स को अपने शब्दों में लिख सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो 2 उदाहरण से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे शीर्षक लिखते हैं, कैसे
सार लिखते हैं, किसी चीज का संक्षेपण लिखते हैं और कैसे हम लोग व्याख्या या भाव पल्लवन करते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट करते रहिए कि क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या अच्छी लग रही है, क्या नहीं पसंद आ रही, हम उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।